नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है अशोक्स किचन हिंदी चैनल में। और आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों के पकौड़े। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी यानी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए हमारी रेसिपीज़ को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको बनाना। दोस्तों, इसके पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी कटोरी करीब मूंग की दाल भिगो दी थी 2-3 घंटे के लिए, और इसको ड्रेन करके अब इसको पेस्ट बनाएंगे। जार में डाल दिया है। इसी के साथ इसमें 6 से 7 कली लहसुन की डाल दी हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से काट करके डाल देंगे। दाल आपको बिना छिलके वाली लेनी है। ये दाल से ही काफ़ी क्रिस्पी बनता है ये पकौड़ा। और इसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। आप मूंग दाल की जगह उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 3-4 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी न डालें, और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, पेस्ट हमने तैयार कर लिया है और इसको एक बाउल में निकाल दिया है। इसमें ये डाल रहे हैं बेसन 1 कटोरी के करीब। फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 अब इसमें डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प है। ये एक्चुअली अरबी के पत्तों में एक कड़वाहट, एक कुनकुनाहट सी होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इमली और आमचूर पाउडर डाला जाता है। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और ये 1/2 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। तो इमली और आमचूर मिलके इसकी जो कुनकुनाहट होती है, कभी कभी होती है किसी किसी पत्तों में, तो वो निकल जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये पकौड़ा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें देखिए, हमने पानी नहीं डाला है, हमने पीसते समय जो पानी डाला था बस वही है। तो आप इस तरीके से एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। आपको लगे कि कुछ ज़्यादा बैटर है तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बैटर रेडी हो गया है। अब हमने ये अरबी के पत्ते लिए हैं और इसके पीछे का डंठल ये निकाल देंगे, और इस डंठल का भी एक साग बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप चाहें तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसकी ये जो नस है मोटी सी, इसको भी निकाल देते हैं ताकि इसको जो हम रोल करें तो ये आसानी से रोल हो जाए। अब देखिए, ये इस तरह, ये ज़्यादा ग्रीन वाला पार्ट है, इसको रखेंगे नीचे की तरफ, और जो कम ग्रीन पार्ट है यानी पीछे का जो साइड है उसको ऊपर रखेंगे, और इस तरफ हम ये जो बैटर बनाए हैं इसको अप्लाई करेंगे। अब ये बैटर हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं। ये रेसिपी यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और ट्रेडिशनली इसे हाथों से इस बैटर को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चम्मच से फैला रहे हैं इसको इवनली। बैटर को हम स्प्रेड कर लिए हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे, उल्टी दिशा में रखेंगे, जैसे अभी रखा था इसके अपोजिट, यानी पीछे का भाग ऊपर रखते हुए और उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट कर दिया, बदल दिया है, और इसको अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर भी हम बैटर उसी तरीके से लगा लेंगे। देखिए, इसके ऊपर भी हमने बैटर अप्लाई कर लिया है अच्छे से। अब एक और फाइनल रखेंगे, इसका भी डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है। नीचे का भाग ही हमेशा ऊपर रहेगा, बट इसमें भी डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अभी देखिए, फिर से ये बैटर लगा लेंगे।
हमें तीन पत्तों में ही इसकी मोटाई जो है वो पर्याप्त आ जाएगी। आप चाहें तो चार या पांच पत्ते लगा करके भी इसको रोल कर सकते हैं। आप किनारों से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरफ से भी कर देते हैं। और इसको इस तरीके से हम रोल करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैटर हम किनारों पर भी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और इसको हल्का प्रेस करते हुए इसको हम रोल कर लेंगे। थोड़ा सा बैटर किनारों पर भी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, सील हो जाए। ये देखिए, ये तैयार हो गया है एक। इसी तरीके से आपको जितने भी बनाने हैं तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रेडिशनली जो हाथों से इसके ऊपर लगाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है इस तरीके से, इसको भी दोस्तों हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, ये भी फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम स्टीम करेंगे। तो एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है फ्लेम के ऊपर, उसके ऊपर इस तरीके से हमने एक जाली वाली थाली रख ली है। थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। और इसके ऊपर अब हम अरबी के पत्तों के जो हमने रोल तैयार किए थे उसको रख देंगे और इसको स्टीम करेंगे। इसको आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट कम से कम स्टीम कर लेना है। इसको ऊपर से हम ढक देंगे इसको और इसको भाप में पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको कट करेंगे। ठंडा हो गया है, अब इसको कट कर लेते हैं। तो वो हाफ इंच थिकनेस में इसको कट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमने फ्राई करना है। तेल डाल दिया है पैन में। तेल गर्म होने के बाद इसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने सभी डाल दिया है और इसको जब एक तरफ से हल्का सुनहरा हो जाए तो इसको पलट के दूसरी तरफ से भी सुनहरा कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको टर्न कर दिया है और ये दूसरी तरफ से भी सुनहरी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल लिया है। ये वैसे तो इमली के सॉस के साथ बहुत अच्छा सर्व किया जाता है, बट आप चाहें तो किसी भी सॉस के साथ या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।